बस सुना सुना, फिर साउथ से आई आग और नॉर्थ से बर्फ, और दोनों एक साथ आने से बनी लाइफ। और जाइंट्स और मैन ने बनाए फिल्म्स वर्ल्ड ट्री पर अपनी। चैप्टर वन, द लास्ट ट्रेन स्टैंड। अब तक मेलिकिट ने 9 रिम्स हासिल कर लिए, और एसगार्ड भी, और थोर की हैमर ने रही। पर फिर भी थोर को डर नहीं मेलिकिट का, वो उसे नहीं ढूंढेगा, क्योंकि मेलिकिट खुद थोर को ढूंढेगा। और यहाँ है एसगार्डियंस मिडगार्ड, ये योद्धा, और उनके सामने मेलिकिट और उसकी सेना। फिर हमें ले जाया जाता है एसगार्ड पर। अब ये पहले जैसा नहीं रहा, अब ये पूरा तबाह हो गया है। एसगार्ड से माइटीएस्ट रेम्स था पूरे 10 रेम्स का, अब उसका रेनबो ब्रिज भी नहीं रहा। पर सब रेम्स जल रहे हैं दुश्मनों के आग में, और ओडिन ऐसे ही हाथों में हाथ धरे बैठे हैं। अब एक कयामत आ रही है। अब रिम्स एक कफन में कैद है, शांत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा, यहाँ तक कि मेरा बेटा थॉर भी नहीं। थॉर, क्या ये तुम हो? यहाँ आओ, मैं थॉर नहीं, ये तुम्हारी मदद करेगा सोने के लिए। फिर अचानक ओडिन उठते हैं और उन्हें डार्क एल्स पर वार करते हैं, पर कुछ छल से उन्हें मार देते हैं वो डार्क एल्स, और कहते हैं तुम्हें अच्छी नींद मिले। फिर पेज टर्न होता है और हमें ले जाते हैं मिडगार्ड। एसगार्ड का बायफ्रॉस्ट टूटने के वजह से रिम्स का दरवाजा टूट गया है, यहाँ तक कि थॉर के लिए भी। इसलिए हर शाम वो हम्बल वेसल के यहाँ अपने नए हैमर को उम्मीद से कि वो उसके पास इन रिम्स के बीच से आएगी। और थोड़ी भी बड़ा मायूस रहता है, और तब अचानक वहाँ ऊपर से लोकी गिरता है और वे कहता है अब कुछ नहीं हो सका, और ऑफ द रिलिम्स को कोई रोक नहीं सकता। और मुझे लगा कि मैं उसे रोक सकता हूँ, पर नहीं। तब थॉर पूछता है कौन, और लोकी जवाब देता है मेलिकिट, वो आ रहा है उसकी सेना के साथ, और मैं हार मानता हूँ। फिर वहाँ डार्क एल्व्स आ जाते हैं, थॉर और उनमें लड़ाई शुरू होती है। फिर थॉर लोकी से कहता है मुझे मेलिकिट के पास ले चलो, और तब पेज टर्न होता है और वे पहुँच जाते हैं, और वहाँ रहता है मेलिकिट जो लोकी के रूप में आया रहता है। और फिर वहाँ रहते हैं फ्रॉस्ट जायंट जो थॉर को मेलिकिट को मारने से रोकते हैं, और पेज टर्न होता है फिर मिडगार्ड द ब्रॉम जहाँ स्पाइडी दिखता है, और उसका आज का दिन बहुत अच्छा जाता है। फिर उसकी स्पाइडर सेंस बढ़ने लगती है और उसे मेलिकिट के एल्स दिखते हैं, और वहाँ लेडी फेरजा भी होती है और उनमें फाइट शुरू होती है, और वहाँ एसगार्ड की टीम आती है, और लेडी जैन कहती है होगन और फेडरल वॉल स्टैक को गार्ड कर रहे हैं, और सब गॉड्स मिडगार्ड रेफ्यूजीज की तरह यहाँ छुपे रहते हैं। और हमें दिखाते हैं ग्रीन विलेज, जहाँ भवन में एक क्रिस्टल बॉल अचानक ग्लो करने लगता है और उसमें से चीखे सुनाई देती है, और हर एक चौराहे पर बस आवाज़ें सुनाई देती है,
और तो और मिडगार्ड में पनिशर को भी कुछ सुनाई देता है और फिर वॉर शुरू होती है मिडगार्ड पे। फिर डेयर डेविल वहाँ लड़ने आता है। फिर वहाँ आ जाते हैं एवेंजर्स और गेस व्हाट, ब्लेड और शी हल्क और कुछ और भी रहते हैं। फिर लेडी फ्रेजिया जो थॉर की मॉम है वो पूछती है कि थॉर कहाँ है, तो कैप कहते हैं कि थोरी ने कहा कि वो गायब हो गया, जो थॉर का डॉग है। फिर वहाँ आता है मेलिकित अपने मॉन्स्टर के साथ, पर कैप उसे शील्ड से मारता है और कैप कहता है एवेंजर्स असेंबल। फिर वॉर ऑफ द रिलम्स शुरू होती है और वहाँ लोकी भी आता है और वे कहता है हेलो डैडी, पर वो शुरू शर्मिंदा है अपनी मॉम के सामने और कहता है कि थॉर उसके कब्जे में है मेलिकित के। पर लोकी अपने डैड से बहस करता है पर लोकी को वो खा लेते हैं और सभी एवेंजर्स उसके पीछे लगते हैं। और आयरन मैन कहता है कि उसने अपने बेटे को खा लिया, तो वे कहते हैं एक ये एक वॉर है और हमें थॉर दिखाता है जो अब तक फ्रॉस्ट जाइंट से लड़ रहा है, तो टू बी कंटिन्यू। सो नेक्स्ट इशू में हम देखेंगे कि वॉर ऑफ द रिलम्स में आगे क्या होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ जो वॉर ऑफ द रिलम्स के हर एक बैटल से जुड़ी हुई है, तो मिस मत कीजिए इस बैटल को। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सुपर कॉमिक कन्वर्सेशन को।